जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। भाजपा ने सदा मेरे साथ धोखा किया। मैंने राष्ट्रीय क्रांति दल बनाया और भाजपा की सीटें विधानसभा में आधी रह गई। पार्टी ने मुझे वापस बुलाकर ले लिया। मैं मानता हूँ कि भाजपा में लौटना मेरी भूल थी। अब तय किया है कि आजीवन भाजपा में नहीं लौटूंगा। यह शब्द है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री महरूम कल्याण सिंह के, जब उन्होंने साल 2009 का लोकसभा चुनाव निर्दलीय रहकर समाजवादी पार्टी के समर्थन से लड़ा था। कल्याण सिंह का निधन शनिवार को लखनऊ के संजय गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट में ऑर्गन फेलियर की वजह से हुआ। वह 89 साल के थे। कल्याण सिंह का राजनीतिक जीवन विवादों में रहा है। उन्होंने 2 बार भाजपा से बगावत की, लेकिन अंतिमतः वे भाजपा ही रह गए। कल्याण सिंह के कार्यकाल में ही बाबरी मस्जिद को ढहाया गया, जब वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और जब कारसेवक बाबरी गिराने के लिए आगे बढ़े थे, तभी कल्याण सिंह ने कारसेवकों पर गोली न चलाने के ऑर्डर पुलिस प्रशासन को दिए और फिर कारसेवकों ने बाबरी को गिरा दिया। उनका इस पर कहना था कि भाजपा ने मुझे धोखा दिया है। केवल इतना ही नहीं तो उत्तर प्रदेश में मंडल आंदोलन को रोकने के लिए भी कल्याण सिंह का बड़ा रोल रहा है। कल्याण सिंह से पहले भाजपा का उत्तर प्रदेश अध्यक्ष माधव प्रसाद त्रिपाठी यानी एक ब्राह्मण था। यूपी में अगर ब्राह्मण सामने आकर मंडल कमीशन का यानी ओबीसी के अधिकारों का विरोध करते हैं तो यूपी के साथ सारे देश भर के ओबीसी भाजपा के विरोध में जा सकते हैं। इस संकट से बचने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भाऊराव देवरस ने कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश में भाजपा का अध्यक्ष बना दिया। कल्याण सिंह खुद लोदी जाति के थे, यानी वे मोस्ट बैकवर्ड क्लास से थे। संघ परिवार द्वारा चलाया गया राम जन्मभूमि का आंदोलन मूलतः मंडल आंदोलन से पिछड़े वर्ग के लोगों का ध्यान हटाने के लिए था और उस आंदोलन को चलाने वाले, पर्दे पर दिखाई देने वाले ज्यादातर लोग पिछड़े वर्ग के ही थे। जैसे उमा भारती लोध जाति की थी, कल्याण सिंह लोध, विनय कटियार कुर्मी, साध्वी रितंबरा नाई। कल्याण सिंह जिस लोध जाति से आते थे उनकी उत्तर प्रदेश में संख्या लगभग 4-5% है, लेकिन वही मध्य प्रदेश में वह प्रभावशाली है। जब इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया गया और उसके विरोध में आंदोलन चल रहा था, तब कल्याण सिंह भी उस आंदोलन में शामिल थे और 21 महीने की जेल भी गए थे। 1977 में जब देश के कई राज्यों में जनता पार्टी की सरकारें बनी थी, तब उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कल्याण सिंह ने काम किया था। कल्याण सिंह भारतीय जनसंघ के उत्तर प्रदेश के राज्य अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसी भारतीय जनसंघ का रूपांतरण बाद में भारतीय जनता पार्टी में हो गया। उस वक्त भाजपा मूलतः ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के वर्चस्व वाली पार्टी थी और कल्याण सिंह जैसे पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का पार्टी में होना भाजपा के लिए राइट पर्सन एट द राइट टाइम वाली बात हो गई थी। कल्याण सिंह उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कड़े विरोधी थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे पिछड़े वर्ग को अगर मंडल आंदोलन से दूर रखना है और इस बड़े वर्ग का राजनीति के लिए उपयोग करना है तो भाजपा के पास कल्याण सिंह जैसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। आरएसएस का मानना था कि मंडल कमीशन लागू होने से कथित तौर पर हिंदू समाज में विभाजन होगा, इसलिए संघ ने कल्याण सिंह के नेतृत्व में एकात्म यात्रा सारे देश भर में निकाली थी, जिससे ओबीसी का मंडल आंदोलन से ध्यान हटकर राम जन्मभूमि आंदोलन पर ध्यान केंद्रित हुआ। यानी यहां पर ब्राह्मणों ने ओबीसी का सत्यानाश का काम करने के लिए एक ओबीसी के ही व्यक्ति को यह काम दिया गया था। कल्याण सिंह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 1 बार भी उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। इतना ही नहीं तो उन्हें केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद यानी 2014 में राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया और जिसका 1 बार भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, उसका बतौर राज्यपाल 5 साल का कार्यकाल बिना किसी अवरोध के पूरा हुआ। यह राजस्थान के 52 साल के इतिहास में पहली बार हुआ था। यह भी इस कारण की वजह से क्योंकि बाबरी मस्जिद गिराने की केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी उससे कल्याण सिंह को बचाना था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जैसे ही उनका राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त हो जाता है वैसे ही उन्हें कोर्ट के सामने आना होगा।
उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद फरवरी 1998 में राम मंदिर आंदोलन में शामिल लोगों पर दायर किए गए सारे मामले अपने से ही खारिज कर दिए। कल्याण सिंह ने चाहे जितना काम, चाहे जितनी मेहनत भाजपा को बढ़ाने के लिए की हो, लगाई हो, लेकिन पार्टी में उन्हें कभी भी सम्मान नहीं मिला। 1999 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कल्याण सिंह ने पार्टी में तोड़फोड़ की और उसके बाद तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय क्रांति दल नाम की पार्टी बना ली और उनकी समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव से नजदीकियां बढ़ी। उन्होंने साल 2004 में फिर एक बार भाजपा ज्वाइन की और 2004 का लोकसभा चुनाव लड़ा, मगर जीत नहीं मिली। साल 2009 में उन्होंने फिर से भाजपा को छोड़ दिया और 2009 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय रहकर सपा के समर्थन से वो चुनाव लड़ा और वे चुनाव जीत भी गए। साल जो 2014 के आम चुनाव से पहले कल्याण सिंह ने फिर एक बार भाजपा को ज्वाइन किया और उनके बेटे राजवीर सिंह को पार्टी ने टिकट दिया और वह अभी दूसरी बार सांसद बने हैं। मंडल आंदोलन को एक तरफ ब्राह्मणवाद का मुखर होकर समर्थन करने वाले संघ परिवार ने विरोध किया तो दूसरी तरफ प्रचंड ब्राह्मणवादी समाजवादी लोगों ने भी विरोध किया है। मंडल कमीशन लागू होने की घोषणा के बाद मुलायम सिंह यादव जैसे समाजवादी नेता ने उसके लिए आंदोलन करना या उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं समझा और उस लड़ाई को छोड़ दिया। इस प्रकार से कल्याण सिंह का राजनीतिक जीवन काफी विवादों में रहा और उन्होंने ओबीसी को अपने अधिकारों से दूर रखने के लिए काम किया, या यूं कहे कि ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए कल्याण सिंह का उपयोग किया और जब उनका उपयोग नहीं रहा तो उन्हें अपमानित कर फेंक दिया गया। केवल अकेले कल्याण सिंह का ही उपयोग ब्राह्मणवादी पार्टियों ने नहीं किया बल्कि उमा भारती, विनय कटियार, प्रवीण तोगड़िया जैसे पिछड़े वर्ग के नेताओं का इस्तेमाल उन्हीं लोगों के अधिकारों के विरोध में किया गया। इन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर राम मंदिर बनाने के लिए काम किया और जब राम मंदिर निर्माण के लिए समिति बनाई गई तब उस समिति में इनमें से एक भी व्यक्ति को नहीं लिया गया, तब वहां केवल ब्राह्मणों को ही लिया गया। आने वाला इतिहास कल्याण सिंह और उन जैसे लोगों को केवल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री या नेता के रूप में याद नहीं रखेगा बल्कि अपने ही लोगों के अधिकारों के विरोध में काम करने वालों में से एक इस रूप में याद रखेगा। कल्याण सिंह एक ऐसा ही उदाहरण है जिससे अब तो पिछड़े वर्ग के लोगों को सबक सीखना चाहिए।